राजा अस्पताल था क्योंकि अब यथार्थ में तब्दील हो चुका है, तो सर यथार्थ शब्द का अर्थ क्या है और कहाँ कहाँ इनकी ब्रांच है, किस तरह की आप सेवाएं? नमस्कार, यथार्थ हॉस्पिटल जो अभी आप झांसी में देख रहे हैं, इनके चार और अलग ब्रांच हैं, एक ग्रेटर नोएडा में, दो नोएडा में और एक फरीदाबाद में, और भी ब्रांचेस निरंतर खोलने का प्रयास जारी है। इनका मेन मकसद है ये लोगों को मतलब सेवा भाव से उनके इलाज है, बहुत ही अच्छा इलाज बहुत ही कम दरों में हो जाए। हमारे यथार्थ जो ओरछा तिगेला पे है सभी प्रकार का MP UP आयुष्मान से इलाज होता है, और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो कम आय वाले वर्ग हैं जिनका इलाज भी हम बहुत ही किफ़ायती दरों में करते हैं, जिससे कि अस्पताल का नाम काफ़ी ऊँचा हुआ है और लोगों को जो सेटिस्फेक्शन है, संतोषजनक जो इलाजें मिली हैं उनके और उनकी जो बहुत पब्लिसिटी हुई है, इससे हमें बहुत लाभ मिला है और हमें खुशी होती है कि यथार्थ जो है लोगों का बढ़िया इलाज करता है। जो लोग यहाँ से मुस्कुराते हुए जाते हैं, जो पहले रुके आए थे, चीखते चिल्लाते थे, भिलकते आते हैं, उनकी उम्मीद पे हम खड़े उतरते हैं कि यहाँ इलाज जरूर होगा यथार्थ में, और अच्छा इलाज लेके वो जब घर जाते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। और कुछ कहना सर? मैं कह रहा हूँ सर, बुंदेलखंड में अक्सर सर जो क्रिटिकल सर जो इलाज यहाँ नहीं हो पाता है, और अक्सर थोड़ा सा सर मेडिकल क्षेत्र आप देखते हैं, बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, वहाँ कई तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन सर यहाँ के लोग सर अक्सर से दिल्ली जाते हैं, जैसे आप बताया जे के नोएडा में भी आपके जो अस्पताल है यथार्थ के नाम से, क्या उसी तरह की फैसिलिटी झांसी के यथार्थ में मिलती है कि उससे कुछ अलग है या उससे कुछ कम है, या आपका जो एक ग्लोबल जो है मतलब अगर कहीं का भी व्यक्ति आए चाहे यहाँ इलाज करवाए या चारों में कहीं पर भी करवाए जहाँ भी आपके यथार्थ अस्पताल है, इसमें क्या कुछ फ़र्क है क्या? नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं है सर, एक समान है। सिर्फ एक हमारे पास कैंसर का जो है वो भविष्य में ओपन होने वाला है, अभी वर्तमान में नहीं है, बाकी सभी इलाज डॉक्टर्स हमारे निरंतर इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कुछ डॉक्टर्स कभी भी हमें सहायता की ज़रूरत होती है दूसरे भाग से यहाँ आते हैं, कोई भी क्रिटिकल सर्जरी हो या जो कोई भी ऐसी चीज़ें लगती हैं आपसी में सलाह मशवरा करके हम पेशेंट को पेशेंट का इलाज करते हैं और पूर्णतः चाहते हैं कि उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सारे डॉक्टर्स दिल्ली NCR के बाहर से पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, जिनकी वजह से कभी भी कोई ऐसा केस गलत नहीं हुआ है, और जो डॉक्टर्स हैं वो इतनी अनुभवी हैं, इतने अनुभवी कि पेशेंट उनको थैंक्स बोलने के लिए घंटों तक इंतजार करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब ने हमारा इलाज बहुत अच्छा करा है। अच्छा, ये कुछ यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ क्रिटिकल केस होते हैं तो क्या एयर लिफ्ट वगैरह की सुविधा है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल सर, हमारे पास अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर पेशेंट को लगता है कि हम यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं या दिल्ली से यहाँ आना चाहते हैं, बाहर कहीं भी अलग अन्य क्षेत्र में 100-200 किलोमीटर है, और यथार्थ में नाम इतना अच्छा हो गया, लोग इतने संतुष्ट होकर जाते हैं, कोई भी उनको भरोसा है हम पे किसी भी प्रकार के कि यथार्थ कर सकता है, तो एयरलिफ्ट की सुविधा है हमारे पास, एम्बुलेंस है जो 24x7 कहीं भी पहुँच सकती है बहुत ही कम समय में, जैसे बहुत ही मतलब ये आइसोलेटेड हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें हर प्रकार की सुविधा आपको तुरंत से तुरंत मिलती है। देखिए सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा सर, बुंदेलखंड के लोग अत्यंत सतों से पिछले वर्ग के लोग मिलेंगे, गरीब भी मिलेंगे आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ संपन्न भी हैं, लेकिन सर ज़्यादातर सर गरीब लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो आयुष्मान कार्ड में भी कुछ बहुत सारे क्लॉज होते हैं, तो सर इसके लिए कोई कंसल्ट सेवा रखी आपने समझाने के लिए ताकि विवाद ना हो? आयुष्मान डेस्क है जी जी, जो मेन आते ही रिसेप्शन के साइड में आयुष्मान डेस्क है जहाँ पर हमारा स्टाफ 24 घंटे होता है। आयुष्मान में जो भी क्लॉज हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बताए गए हैं उसके आधारित ही हम इलाज करते हैं, उसके अनुकूल ही चलते हैं हम, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आयुष्मान को बॉयकॉट करें या आयुष्मान की तरफ से जो निर्देश जारी हैं उसको हम ना माने, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए नियंत्रण हम पेशेंट को कई बार पता नहीं होता, ये टाइम टू टाइम बताया भी जाता है। सर आपके यहाँ मेडिकल स्टोर है सर, उसमें कुछ छूट वगैरह देते हैं दवाइयों वगैरह में कुछ ऐसा? जी जी, जिन जो कई लोग इलाज का भुगतान ठीक समय पर नहीं कर पाते या उचित रूप से नहीं कर पाते या लगता है कि वो सक्षम नहीं है, उन्हें डिस्काउंट जरूर दिया जाता है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ सर, यथार्थ का सर लगभग 300 बेड का आपका अस्पताल है, और बाहर के आपके डॉक्टर हैं कि सारे मतलब झांसी के ही अपने रखे हैं कि मतलब बाहर से ही सारे डॉक्टर रखते हैं? डॉक्टर्स जो हैं सर बाहर से ज़्यादातर हैं, कुछ जो डॉक्टर्स झांसी के हैं वो बाहर प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई फोर्टिस, कोई अपोलो, कोई मैक्स, बड़े बड़े दिग्गज जैंट हॉस्पिटल में रामता में काम कर चुके हैं, जो अब हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएट है क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ पे रह चुकी है और वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में वापस आएँ, और यथार्थ एक कॉर्पोरेट ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो अपनी जॉब सिक्योरिटी है, और डॉक्टर चाहते हैं कि यहाँ पे अब अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा की जाए, जो उन्होंने बाहर विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई करी है, प्रैक्टिस करी है, वो यहाँ पे अपने समाज में और अपने क्षेत्र में उनके जो सोच समझ है, अनुभव है, वो लोग लाभ उठा सकें, तो
कुछ बाकी जो है हमारे अदर स्टाफ ऑपरेशनल जो भी हैं, ये बुंदेलखंड रीजन में झांसी आपका जो भी नियर बाय जितना एरिया लगता है, आगे कई सारे कम से कम 500 से ऊपर क्षेत्र यहाँ पे, 500 से लोग, 500 से ऊपर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, 500 लोगों को अपना रोजगार भी दे रहे हैं। जी सर, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आप देख रहे हैं बुंदेलखंड में सर जान इसके बारे में कम अवेयरनेस है लोगों के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस अगर बीमा होता है सर उसमें क्लेम कितने दिन में हो जाता है, या आपका मतलब कौन कौन सी कंपनियों से टाई अप है? हमारे पास सभी मेडिकल इंश्योरेंस से टाई अप है, लगभग सभी से टाई अप है, इसमें कोई वो नहीं है। और वो पेशेंट अपना लाभ उठा सकता है, जो उनके कार्ड के जो बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं वो ऑनलाइन होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है, मेल से और उनके मैसेज से बकायदा आते हैं, 24 घंटे लगते हैं प्री अप्रूवल आने में, उसके बाद जितने दिन स्टे करें उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है, उसमें टी पे जितना 2 घंटे लगाए 4 घंटे लगाए इनके हाथ में होता है, वहाँ से जल्द हमारे जो एक्सपर्ट है वो जल्द से जल्द अप्रूवल मंगवाने की कोशिश करें, ताकि पेशेंट कोई परेशानी बना हो, व्यक्तिगत भी कोई दिक्कत होती है हम लोग सपोर्ट करने के लिए पेशेंट को तैयार रहते हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की। सर कोई अपना मोबाइल नंबर आप इस तरह का बता सकते हैं कि मान लीजिए कभी कोई अर्जेंट में एम्बुलेंस बुलाना चाहे, कुछ इस तरह से करना चाहे, तो आपके द्वारा मतलब वीडियो देखने के बाद उनको मिल जाए? जी, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8800 लास्ट में 46 लास्ट में 84, ये 3 नंबर है, 8800 4686 और 84, ये निरंतर आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की सहायता हो 24 घंटे आप कॉल कर सकते हैं, यथार्थ आप लोगों के साथ है, ये जरूर याद रखें, यथार्थ जो है ये आपका अपना यथार्थ है। थैंक यू।